आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। झूलेलाल मंदिर परिसर में लंगर कार्यक्रम। गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर परिसर में इन दिनों 40 दिनों तक झूलेलाल से संबंधित अनुष्ठान चल रहा है। कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होता रहता है। मंदिर से जुड़ी सिंधी समाज की तमाम महिलाओं द्वारा झूलेलाल मंदिर से चलाए जा रहे छाया राय सिंघानी के नेतृत्व में आयोजित लंगर कार्यक्रम में तमाम आने वाले राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया और मत्था टेका। 40 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित होता है। इस लंगर कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी को प्रसाद ग्रहण कराया। संगठन की अध्यक्ष छाया के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा लगातार समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। सुजाता राय सिंघानी ने बताया कि सभी सदस्य महिलाओं के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम होते हैं। आयोजन है ये चालीसा है जिसमें आज हम लोगों ने प्रसाद चलाया है, चना और हलवा मिठाई सब चलाई है। हम लोगों ने पानी की सेवा भी दी है सबको। यहाँ की जो सिंधी काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है उनको थोड़ा वायरल हो गया है तो इसी कारण वो अपस्थित हैं यहाँ पे, तो मैं उनकी बहू हूँ तो मैं यहाँ हूँ। और क्या क्या करते हैं आप लोग इस चालीसे में? हम लोग इस चालीसे में प्रसाद चलाते हैं, झांकियाँ निकलती हैं और ये झूलेलाल मंदिर है, यहाँ पे रोज आरती होती है। 40 दिन सुबह और शाम आरती होती है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।